अब तुमको एक मिनट, हाँ अब तुमको बेंटो क्रिस्ट बनना है, सब कुछ अर्पण करने वाले। अपना स्वार्थ पोषण के लिए कुछ भी न रहे, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा देने वाले। और बाबा जगदम्बा अंत में पूरा ही भक्ति मार्ग पकड़ लेंगे। अम्बा है ना, ज्ञान अम्बा से आता है कि बाप से आता है? वास्तव में तुम्हारी अम्बा कौन है? है ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है? उस अम्बा से ज्ञान नहीं आता है, क्या आता है? भक्ति आती है। भक्ति किससे आती है? भक्ति रावण से आती है। और ज्ञान राम से आता है। प्रैक्टिकल में चल रहा है या नहीं चल रहा है? है चल रहा है। और गुरु बाबा ये कहा है तुमको तीन इंजन मिले हैं, है आप और दादा है, माँ भी तो है। ज्ञान भक्ति और वैराग, क्या कहते हैं? है ज्ञान भक्ति और वैराग। ज्ञानदाता कौन है? है शिव बाप है ज्ञानदाता। वो शिव बाप सदाकाल का वैरागी तो है ही, इस सृष्टि पर आता है तो भी वैरागी है या नहीं है? है कि कोई से राग द्वेष करता है? है नहीं करता, तो उसकी बात नहीं है। बाकी जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच जब से बाप प्रत्यक्ष होते हैं तब से लेकर परम वैरागी आत्मा कौन साबित होती है? एकलव्य कौन साबित होती है? राम वाली आत्मा। तो क्या हुई? वैरागी, ज्ञान भी हुआ वैराग भी हुआ, अब क्या रह गया? है भक्ति। तो कौन है तीसरा? है माताओं में भक्ति ज्यादा होती है कि भाइयों में ज्यादा भक्ति होती है? और बाबा के साथ जाने वाले एडवांस और जो सही स्कूल पहुंच गए वो बच्चे कौन से हैं? बाप दादा के साथ जाने वाले चारों तरफ जो सही छोड़ चुके हैं वो बच्चे कैसे और एडवांस वाले कौन से? बाप दादा के साथ बाप चला गया क्या? है बाप तो नहीं चला गया। और बाबा, हाँ। दिखाया था, सब कुछ करने का माना की जोड़ी सही से
तो लक्ष्मी वाली आत्मा अभी वर्तमान शूटिंग पीरियड में प्रवृत्ति का पार्ट बजाए रही है या निवृत्ति मार्ग वाले सफेद कपड़ों वाला पार्ट बजाए रही है, है? तो द्वापर युग से वो आत्मा भी ज्यादा जन्मों में है बरो शंभु न तो रहो कुंवारी बाल ब्रह्मचारी होकर रहती है। दो ही तरीके हैं, या तो बाल ब्रह्मचारी बनकर रहती है या तो किसी किसी जन्म में प्रवृत्ति मार्ग वाला बनकर की रहती है। इसलिए द्वापर युग से प्रवृत्ति मार्ग में लगातार नहीं दिखाई सकते। और द्वापर युग से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता है या विविचारी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता है, इसलिए भी नहीं दिखाई जाती। और बाबा भी वाणी में बोला है कि ऐसे भी बच्चे हैं जो मैं बाप दादा को चलाए रहे। हाँ, अगर वो बच्चे बाप दादा के साथ न रहे तो बाप दादा अब नहीं चल सकते हैं। क्या जो सहयोग देते हैं बाप दादा को, वो सहयोग बाप दादा को उन बच्चों के द्वारा न मिले तो क्या होगा? है बाप दादा के ऊपर वजन बहुत बढ़ जाएगा, चल नहीं सकेंगे। परिवार बड़ा हो गया या छोटा है? छोटा परिवार तो संभाला जा सकता है, लेकिन जब परिवार बड़ा हो जाता है तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनको सहयोगी बनना पड़ता है कि नहीं है? बनना पड़ता है। हाँ, उन बच्चों में भी नंबरवार हैं, एक जैसे नहीं है। बाबा ने कहा है बाबा भक्ति मार्ग में इंश्योरेंस में हूँ। है इंश्योरेंस में हूँ। हाँ, भक्ति मार्ग में इंश्योरेंस मैग्नेट नहीं है, एक जन्म के लिए है या नहीं है? एक जन्म के लिए जो धर्मशाला बनाते हैं उनको अगले जन्म में महलवाड़ियां मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? तो भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस मैग्नेट है। बाबा ये जो भक्ति मार्ग में भी किया है कि ब्रह्मा ने जो लिख दियो छठी रात के अंक है, ब्रह्मा ने जो लिख दियो छठी रात के अंक और राई घटे तिल बड़े गौरे जीव असंख है, इसका क्या मतलब हुआ? ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के मुख से जो भी वाक्य निकले वो पत्थर की लकीरें हैं या टलने वाले हैं? पत्थर की लकीरें हैं। अब वो ब्रह्मा चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा हो और चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो। और रमेश भाई ने माने की चिड़ी का चित्र बनाया और माने की वो जो माने की निराकार को कैसे याद करना है? तो ये
आज कृष्ण जी ने जिस भाई ने निकाले वो तो एडवांस वाले भाई हैं, तो माने कि उनका भी कोई ना कोई उनके पास होगा ना? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। हार बाबा, एक माता है वो बच्ची के लिए तरस रही है, उसको अभी चांस ही नहीं मिलता है, इसके लिए है बच्ची के लिए तरस रही है। हाँ, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, आप सहयोग दो। हमारा तो पूरा सहयोग है। मैं वो पिछली बार का इस तरह से रह गया था, बाबा ने बोला था आगे पीछे बताना इसका। सही डालते हैं तो बड़े ऑफिसर लिखते हैं मिंटो कर्जन, यहाँ तो श्री श्री लिख देते हैं। है? कर्जन तो बड़ा ऑफिसर हुआ, सबसे श्रेष्ठ तो नहीं हुआ है। आजकल क्या लिख देते हैं, श्री श्री फर्रुखुद्दीन अली अहमद हैं तो मुसलमान, लेकिन लिख देते हैं श्री। श्री तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को कहा जाता है, श्रेष्ठ तो देवताएं होते हैं, आज के ऑफिसरों को श्री थोड़े ही कहेंगे। कोई भी कुर्सीधारियों को श्री कहेंगे क्या? नहीं। और कुमार जी बाबा जी नाइन हुआ है, चंद्रक को नहीं कौन पिया है, अल चंद्रक को नहीं कौन पिया, सब सुंदर सब दिल करेगा। रामराज जी का गायन है। रामराज सिर्फ त्रेता में ही होता है या सतयुग में भी होता है? है तो सतयुग और त्रेता दोनों का गायन है। संगम युग में भी ऐसा स्वर्णिम संगम युग आएगा कि किसी की अकाले मौत नहीं होगी, वो बेहद की बात है। अर्थात कोई भी अनिश्चय बुद्धि मृत्यु को नहीं पाएगा, ऐसा भी संगम युग आना है। अभी तो घड़ी घड़ी अनिश्चय रूपी मृत्यु होती रहती है। अभी रामराज जी कहेंगे हैं? अभी तो रामराज जी नहीं कहेंगे, जब रामराज जी होगा तब कोई की अकाली मृत्यु नहीं होगी। और हम हमारे मुरली बोला है एक भी मुरली मिस की तो आदमी विश्वविद्यालय में एबसेंट पड़ जाएगी। हाँ, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी ना, पढ़ाई तो पूरी पढ़नी चाहिए ना बाबा जी। आखिरी आखिरी में आत्माएं आ रही हैं। हाँ, तो वो उनमें ऐसी भी तो होंगी कि इनको थोक माल मिलता है इंटरनेट से और सारा ही थोक माल हड़प कर लेती है, होती है कि नहीं? हाँ, तो कवर करेंगी कि नहीं? कवर कर लेंगी। लास्ट सो फास्ट जाएंगी या नहीं जाएंगी? डेली मुरली सुनते हैं, डेली क्लास करते हैं गीता पाठशाला या मधुबन में। हाँ, तो वो अंक ज्ञान योग धारणा सेवा में किन में ऐड होंगे? हैं? एक क्लास करने के जो नंबर है अंक है, हैं? ये कौन सब्जेक्ट में ऐड होंगे? जो रोज क्लास करते हैं वो वायुमंडल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो सेवा में ऐड होगा या नहीं होगा? हैं? रोज क्लास करते हैं तो ज्ञान में होशियार होंगे या नहीं होंगे? होंगे। और रोज रोज ज्ञान सुनेंगे, जैसे कुएं की रस्सी होती है पत्थर में घिसती है रोज रोज, तो निशान पड़ता है कि नहीं?
तो रोज रोज ये जो रेगुलर ज्ञान सुनेंगे तो धारणा होगी या नहीं होगी? धारणा भी होगी तो ज्ञान भी होगा, याद भी आएगी, क्योंकि मुरली से प्यार, उनका मुरलीधर से प्यार, ज्ञान भी हुआ, योग भी हुआ, धारणा भी हुई और सेवा भी हुई। इसलिए पंक्चुअल, टाइम से आना और रेगुलर रोज आना, इन दो बातों पर टीचर बहुत खुश होता है। बाबा जिनकी एब्सेंट होती है उनकी, एब्सेंट होती है तो कुछ न कुछ कोई न कोई पॉइंट रह जाएगा ना, कोई न कोई पॉइंट मिस कर देंगे ना। और बाद में मुरली सुनने है? बाद में सुनने की संगठन में जो उमंग उत्साह होता है वो अकेले मुरली पढ़ने में सुनने में उमंग उत्साह रहता है क्या? नहीं, क्लास में डबल रिपीट होती है ना। जो सवेरे का क्लास होता है और दोपहर का या शाम का क्लास होता है उसमें अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। लेकिन बाबा झापे मान की बच्ची ना की हुई इन लोगों ने और रेगुलर पेंसिल क्लास कर रहे हैं तो बच्चे ही नहीं बने। माने की बच्ची करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो करें ना। लेकिन रेगुलर पेंसिल क्लास करना है। अरे रेगुलर पंक्चुअल क्लास तो कर रहे हैं लेकिन बाप के बच्चे तो नहीं बने। हाँ बांधेले हैं। नहीं उस काम गीता पाठशाला भी नहीं है ऐसी पैरवांस का कोई भी ज्ञान नहीं। पूर्व जन्म में कर्म किसने किए हैं जो ऐसे गांव में जन्म लिया है? बाबा क्या जैसे एडवांस में चलती है कुछ दिनों से बांधेली होने के बाद बाबा से मिल भी लेती है बिना बट्टी की और फिर मतलब बांधेली होने का वो छोड़ देती है ज्ञान, लेकिन बाबा को याद करती फिर सब शरीर छोड़ देती तो उसका जन्म होगा या सूक्ष्म शरीर से सेवा करेगी या प्रवेश करेगी? अकाले मौत में मरती है तो सूक्ष्म शरीर मिलेगा। शरीर में वो ज्ञान मतलब सुनेगी या किसी प्रवेश करके? सुन सकती है। और बाबा है हर एक को वारिस निकालने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आप समान बनाना चाहिए ना। अगर आप समान ही नहीं बनाया, बाप का बच्चा ही नहीं बनाया तो सेवा कहाँ की? प्रजा बनाने की सेवा कर दी। बाप प्रजा बनाने आया है, प्रजा योग सिखाने आया है या राजयोग सिखाने आया है? तो राजा बच्चा बनाना चाहिए ना। और रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी रसंगी में जूती लेने गए थे। हाँ। लेकिन ना पहचानने के कारण पूरा पहाड़ का पहाड़ उठा। हाँ। में उसका क्या? बंदर थे ना, बंदरों की इतनी अकल तो नहीं होती है तो पूरा पहाड़ का पहाड़, ताकत तो ज्यादा है, अकल नहीं है लेकिन पहाड़ उठा सकते हैं ना, तो पूरा पहाड़ ही उठा लिया। अब राम जी तो होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, पहाड़ में से संजीवनी बूटी ढूंढ ही लेंगे, काम तो बन गया ना, अधूरा काम तो नहीं छोड़ा। और हाँ जी बाबा, कैसे 2012 में जगदम्बा आएगी तो झाड़ू लगाई तो क्या ये कार्य शुरू हो गया
ऐसे तो झाड़ू लगता ही रहता है। जब से सृष्टि शुरू होती है सतयुग आदि से, तो थोड़े ही समय के बाद मरते बिल्लाते तो रहते ही। हाँ, मरने वालों की संख्या बढ़ती जाती है तो झाड़ू तो लगता ही है, लेकिन स्पेशल झाड़ू जब लगता है तब बहुत मरते हैं। और पटियाला में एक काली माता का मंदिर है, तो वहाँ पर्दा लगा के आरती होती है, पर्दा लगा के आरती होती है, तो पटियाला खास किसकी यादगार है? हाँ, जो पट्ट में गिरते हैं उनकी यादगार है पटियाला। और शास्त्र में प्रसिद्ध पटिया कौन है? पटिया माने शिला, पत्थर, अहिल्या। तो अहिल्या की भी यादगार हो गई, जो भगवान के दरबार में जानबूझ करके अहि माने सर्प को उठा लाती थी, क्योंकि सर्प से प्यार पैदा हो जाता था। बाप तो कहते हैं कि भिखारी को बाप की सभा में नहीं लाना है, परंतु अहिल्या इस बात का ध्यान नहीं रख पाती, क्योंकि लगाव दूसरे से लग जाता है। तो जिससे लगाव लग जाता है उसके कल्याण की बात ज्यादा बुद्धि में रहती है, बाप की बात है, बाप की बात भूल जाती है। और बाबा शत्रु में जिंदगी में होता है रात होती है, हाँ, तो क्या उस समय पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? धुरी पे घूमती है, अभी नहीं धुरी पे घूमती है, अभी घूमती है कि नहीं? अभी भी घूमती है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो पृथ्वी का है वहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है कि नहीं? तो जब इसी दुनिया में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो सकती है, तो क्या आधा कल्प का दिन नहीं हो सकता? होता है। और बाबा है जो भाई लोग बाबा के सामने बैठे हैं है? और कागज पे लिख करके दे रहे हैं, इससे कोई ज्ञान में फर्क पड़ेगा या लाभ होगा या हानि होगी? थोड़ा भाई लोग जो बैठे हैं यहाँ पे बाबा के सामने, उन्हें याद आ जाता है कि हमने भी कन्या का जन्म लिया होगा, इसलिए थोड़ा शर्म आती है। यही मेरा मतलब। और बाबा सतयुग में देवी देवताएं घर बार नहीं छोड़ते हैं? सतयुग में देवी देवताएं घर बार नहीं छोड़ते हैं? ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? माने गृहस्थी को नहीं छोड़ते हैं, गृहस्थी में रहते हैं जिंदगी भर, पूरी आयु गृहस्थी में रहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, क्योंकि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, वहां निवृत्ति मार्ग होता ही नहीं। और
बाबा बेसिक में एक ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी निकली है, उसमें माने सेवक्रम बार आत्मा का कोई भी जिक्र नहीं है, मात्र सेवक्रम नाम का इतना ही नाम लिख रहा है। आगे उनने कुछ भी आगे नहीं लिखा, जब पे दुकान में भागीदार थे। हाँ, इतना तो आया कि दुकान में कोई भागीदार था, तो लौकिक जीवन में जो भागीदार था अंतिम जन्म में, जो आदि में सुअंत में, आदि के जन्म में भी भागीदार रहा होगा, तो अंतिम के जन्म में भी भागीदार है। आदि के जन्म में अलौकिक भागीदार था और अंत के जन्म में कलयुग अंत में लौकिक में भागीदार था। इससे साबित हो जाता है कि दोनों साथ ही हैं, जन्म जन्मांतर के। सारी दुनिया बाप के बच्चे भी उन दोनों को भले अलग अलग करें, लेकिन वो फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। बाबा, जगदम्मा झाड़ू लगाएंगे तो सूक्ष्म विकारों की झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि बच्चे ज्ञान से मर जाते हैं, उनकी झाड़ू लगाएंगे। ज्ञान से मरेंगे कौन? जिन्होंने पूरा ज्ञान उठाया होगा वो मरेंगे, और या जिन्होंने बाप का बच्चा बनने के बाद भी अज्ञान ज्यादा उठाया होगा वो मरेंगे। कौन मरेंगे? है ज्ञान नहीं उठाया, वो तो मरना ही है। जो अंदर विकारों की, अरे ज्ञान नहीं है तो विकारों में मरेंगे ना। ज्ञान उठाया है, ज्ञानी है तो ज्ञानी तो ज्ञान अग्नि से विकारों को भस्म करता है ना। जितना ज्ञानी होगा उतना योगी जरूर होगा, नहीं तो प्रैक्टिकल में ज्ञान ही नहीं कहा जाएगा। और अजय तो आई मैं आया दो दिन से, दो दिन एक ट्रांसफॉर्मर और एक मेडिकल। हाँ, बेहद में अर्थ है कि एडवांस में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम बहुत कर रहे हैं। क्या दुनिया में तो पोस्ट ऑफिस होता है, चीजों को इधर से उधर पहुंचाता है, कोरियर होता है, चीजों को इधर से उधर, लेटर्स को इधर से उधर पहुंचाता है। यहां कोरियर तो है नहीं, पोस्ट ऑफिस तो है नहीं, बाबा के बच्चे ही हैं जो ये काम विशेष करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट वर्ग हो गया। सामान को ही इधर से उधर भेज देते हैं। क्या हमारा तो कम खर्च बालानसी है ना, है तो कोई माल इंडिया में कहीं सस्ता मिलता है और कोई माल दूसरी जगह सस्ता मिलता है, तो जो ट्रांसपोर्ट विंग वाले हैं वो ये प्रबंध करते हैं, सस्ता माल एक जगह से उठा करके और जहां बहुत कॉस्टली होता है वहां पहुंचा देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट विंग भी है और मेडिकल विंग भी है,
मेडिकल विंग नहीं होगा तो आज की दुनिया में बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं कम बढ़ रही हैं? बीमारियां तो बहुत बढ़ रही हैं, मानसिक बीमारियां भी बढ़ रही हैं और शारीरिक बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अगर मेडिकल डिपार्टमेंट वाले नहीं होंगे तब तो दिन दूनी रात चौगुनी बीमारियां बढ़ जाएंगी। हाँ, मेडिकल विंग वालों के लिए कहा कि उनके विभाग का अभी पूरा विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए जितनी तेज सेवा होनी चाहिए वो सेवा उतनी तेज नहीं होती है, इसलिए मरीज असंतुष्ट रह जाते हैं। और बाप आते हैं भारत में ही, बाप आते हैं विदेश में क्यों नहीं आते? हाँ, विदेश पवित्र रहता है, विदेशी आत्माएं ज्यादा पवित्र रहती हैं कि भारत में जन्म लेने वाली, पहला जन्म लेने वाली आत्माएं ज्यादा पवित्र रहती है। तो पवित्र को पवित्रता से प्यार होगा या अपवित्रता से प्यार होगा? दुनिया का सबसे पवित्रता वाला, सबसे जास्ती पवित्रता का उपाधि को धारण करने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा, एवर प्योर। तो कहां आवेगा? है हाँ, जो बाप की खसूसियत है उस खसूसियत को जहां के लोग बहुत प्यार करते हैं, भले बहुत भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। दुनिया के सबसे जास्ती अपवित्र भारतवासी हो जाते हैं, परंतु फिर भी है, फिर भी बहुत मान देते हैं पवित्रता को और एक बार भी और बाप को, इसलिए बाप भारत में ही आते हैं। और ये गोमूत्र इस्तेमाल हो रहा है, ये करते हैं लोग, तो वो तो बहुत पवित्र मान करके कर रहे हैं, तो क्या ठीक है? हाँ, वो तो हद की बात है, हद की गऊएं हैं। पुरुष ज्यादा मिक्सचरिटी करते हैं, बैल ज्यादा मिक्सचरिटी करते हैं, व्यभिचारी बनते हैं, या गऊएं ज्यादा व्यभिचारी बनती हैं? है, व्यभिचारी तो इस दुनिया में सभी बनते हैं, लेकिन बैल ज्यादा व्यभिचारी बनते हैं और गऊएं कम व्यभिचारी बनती हैं। तो मूत्र का मतलब है कुछ न कुछ मिक्सरिटी हो गई। पानी में क्या हो गया? पानी में, मूत्र में ज्यादा अंश किसका होता है? पानी का। तो पानी में मिक्सरिटी हो गई, बैलों ने जो मिक्सरिटी की वो निंदनीय है, और गऊओं से जो मिक्सरिटी हो गई वो निंदनीय नहीं है, क्योंकि जितने पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन है, जोर जबरदस्ती अपवित्र होने वाले हैं, अपवित्र करने वाले हैं, और कन्याएं माताएं ऐसा नहीं करती हैं। तो मूत्र तो दोनों का है क्या, लेकिन किसका अच्छा है?
है, गौ का मूत्र अच्छा है। उनके द्वारा जो ज्ञान सुनाया जाता है भले उसमें कुछ न कुछ मिक्सरिटी हो जाती है, क्योंकि बाप का जैसा 100% पवित्र ज्ञान जल बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी बाप ने किसको निमित्त बनाया, कन्या माताओं को निमित्त बनाया। तो अगर थोड़ी बहुत मिक्सरिटी होती भी है तो वो ग्रहणीय नहीं है, निंदनीय नहीं है, वो तो पानी का स्वभाव है, पहाड़ों से आता है और नीचे की ओर जाता है या ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है। तो कन्याओं माताओं का दोष नहीं है, ये तो ज्ञान जल की भी गति है। पहले हर चीज सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान बन जाती है। और है जो मुसलमान माताएं होती है वो काले कपड़े पहनती है, लेकिन भाई लोग तो भाई कलर के कपड़े पहनते हैं और सिर पे टोपी भी लगाते हैं, टोपी भी लगाते हैं। संगम युग में माया ज्यादा काला काम करती है, माया का नाम पहले है या रावण का नाम पहले है, क्या कहते हैं, माया रावण या रावण माया, माया रावण। तो ज्यादा काला काम कौन करती है, माया करती है। मुरली के पॉइंट पर याद ध्यान नहीं रह गया, पर जवाब नहीं दे पाता है। मुरली पढ़ी थे आप लाके देखी थे, संतम मसीही देखी थे, तो उसको नहीं दिमाग हुआ पर जवाब नहीं दे पाए, तो भूल जाते है। तो लगे रहो, लगन बड़ी चीज है, 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 छोड़ना नहीं। बाबा बाग भट्ट की जो कैसेट चली है उसमें सब दवाइयों के साथ साथ गौमूत्र का भी बताया, तो गौमूत्र का सेवन करना उचित है, जैसे अपन ज्ञान में चलते हैं उसके बाद ये उसका सेवन करें तो उचित है। वो लौकिक दुनिया की बात है या अलौकिक दुनिया की बात है, लौकिक दुनिया की दवाइयां यूज करने वाले परम पवित्र बनेंगे, निरोगी बनेंगे, या अलौकिक दुनिया की दवाइयां यूज करने वाले परम पवित्र निरोगी बनेंगे, है अलौकिक दुनिया। इसलिए अलौकिक दुनिया की विशेषता को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन बाबा ने बोला ना कि शरीर को ठीक रखने के लिए यदि रोग है तो उसकी दवाई भी करो। मन ठीक रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, अगर मन में गड़बड़ी है तो कितनी भी दवा करो शरीर ठीक नहीं रह सकता। मन बीज है और शरीर वृक्ष है, काहे पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बीज को पानी देंगे तो वृक्ष को पानी स्वतः ही मिल जाएगा। बाबा जैसे शिव बाप जैसे परम है, शिव बाप परम धाम से सृष्टि पर आते हैं तो उसके बाद के बाबा एक सेकंड के लिए भी परम धाम नहीं जाते, आत्माएं डियर बाप की रहती है परम धाम में। एक जन्म तो मिला है, चौरासी जन्म तो उन्हें मिलते नहीं है, और एक जन्म में
काम पूरा करके जाना है या अधूरा छोड़ के जाना है? तो काम पूरा हो गया क्या? नहीं हुआ। नहीं मतलब पर एक सेकंड के लिए भी नहीं जाते बाप जब। बुद्धि को पृथ्वी के उस पार अमेरिका में जाने में कितनी देर लगती है? है? एक सेकंड भी नहीं। शिव बाप बुद्धि है या शरीर है? बुद्धिमानों की बुद्धि है तो उसका क्या आना और क्या जाना? वो तो इस सृष्टि पर काम करते हुए भी बुद्धि से कहां रहता है, ऊंची स्टेज में रहता है। अरे उसकी तो बात छोड़ दो, वो बाप इस सृष्टि पर आकर के जिसको आप समान बनाता है उसकी भी ऐसी स्टेज बन जाती है कि बुद्धि से परमधाम में रहे और शरीर से इस सृष्टि का सारा काम करेगा। तो आने जाने की बात खत्म हो जाती है, निमित्त मात्र है। राजाओं की 108 की माला है और ब्रह्मा तो उसमें आते ही नहीं है, तो फिर द्वापर में राजा विक्रमादित्य कैसे बनते? जो 108 की माला है वो 108 की माला रुद्र माला है या विजय माला है? रुद्र माला में मुख होते हैं या नहीं होते हैं? है? होते हैं ना। तो जो मुख होते हैं वो किसकी यादगार है? आत्माओं की प्रवेशता की यादगार है। जो आत्माएं प्रवेश होती हैं वो पावरफुल आत्माएं होती हैं या कमजोर आत्माएं होती हैं? पावरफुल आत्माएं होती हैं तो पावरफुल आत्मा कमजोर आत्मा का संग करेगी तो कुछ न कुछ हिस्सा बटाएगी या नहीं बटाएगी? है? बटाई लेगी, तो वो भी राजा बन जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी कोई राजा होता है कि नहीं? कौन? राजा विक्रमादित्य के ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला होता है या नहीं होता है? है? हाँ, द्वापर युग से गुरु भी होते हैं बाप भी होते हैं। तो वो उनको भी कंट्रोल करते हैं, उनसे भी बड़े राजा हो गए। अमृतवाणी भाव मंसूर करते हैं तो क्या तीनों में आपस में तालमेल है? तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन कहलाएगी? सर्वश्रेष्ठ वेदवाणी ब्रह्मा की कही जाती है। आज की दुनिया में भी वेद हैं, वेदवाणी भी मिलती है, परंतु वेदवाणी को समझने वाले कितने हैं? हैं? कोई देखे? किसी से सुना? जो चारों वेदों की वाणी को जानने वाले हों? हैं? नहीं है। तो जो नई दुनिया तैयार होती है उस नई दुनिया में ऐसी एक भी आत्मा नहीं होती है जो अमृतवाणी जानने वाली न हो, सिर्फ मुरली की जानकार हो। मुरली को रट लेना अलग बात,
और मुरली के गुह्यार्थ को समझना अलग बात हो जाती है। कोई बोल बोल करना जानता है, जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के कवित चौपाइयां दोहे, सूरदास के पद रट तो लेते हैं लेकिन उनके गुह्यार्थ को नहीं जानते। तो सिर्फ रटने से फायदा है जीवन में या उनके गुह्यार्थ को भी समझने से फायदा होगा? तो 84 जन्म में अगर फायदा लेना है तो ब्रह्मा की जो वेदवाणी है उस वेदवाणी को समझना जरूरी है। अगर समझा नहीं है तो 84 जन्म में उतना फायदा नहीं होगा। तो सर्वश्रेष्ठ वाणी कौन सी हुई? बाप की वाणी ब्रह्मा के थ्रू बाप की वाणी या गुलजार दादी के थ्रू दादा लेखराज की वाणी? बाप की वाणी सबसे श्रेष्ठ हुई क्योंकि बाप ही गुह्यार्थ समझाता है टीचर बनकर। अम्मा छोटे क्लास में तो टीचर बन सकती है लेकिन ऊपर के क्लासेस में टीचर नहीं बन सकती। और राधे मामा ज्ञान में कवाई थी किसन में? कहते हैं जब 14 साल की थी तब आई थी। अब 73 की मुरली में जो भी ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर हुई हैं आदि से लेकर 73 तक उनकी लिस्ट और एज दी हुई है। उस लिस्ट से और एज से टैली करके देखो तब आई थी। कुछ मेहनत भी करो। बाबा हाँ शिव बाप माता जी हाँ बोलो ना। अरे बाबा के आगे रह जाते हाँ। शरीर के लिए गाड़ी के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है तो शरीर के लिए शुद्ध भोजन की जरूरत होती है। तो आजकल शुद्ध भोजन तो मिलता ही नहीं बाबा। शुद्ध भोजन तो मिलता ही नहीं, सब मिलावटी है। कहाँ नहीं मिलता? तो बाबा आजकल सब सब्जियों में भी तो मिलावटी आ रही है। तो कुछ भी नहीं मिलता, दूध भी शुद्ध नहीं मिलता। हाँ मिलता तो शुद्ध भोजन कैसे बनेगा? खेती करेंगे तभी शुद्ध भोजन मिलेगा या बिना खेती के मिलेगा? हैं? तो ज्ञान में चलने वाले खेती नहीं करते क्या? उनका फर्ज क्या है? यूरिया की यूरिया वाला अन्न पैदा करना या आर्गेनिक की खेती करना? आर्गेनिक खेती करें, केमिकल जिसमें डाला जाता हो वो खेती न करें। प्यार की खेती तो अच्छी है कि खराब है? है प्यार की खेती अच्छी है लेकिन एक होता है जिस्मानी प्यार, भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार, और एक होता है रूहानी प्यार, भ्रष्ट इंद्रियों का जो प्यार होता है उसमें मूत पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? है?
पिलाते हैं। तो खेती कैसी हुई, उसमें पैदाइश कैसी होगी है? अच्छा याद का अन्न मिलेगा, अच्छी याद की खुराक मिलेगी या गंदी मिलेगी है? गंदी याद की खुराक मिलेगी, जहां यूरिया डाला जाता है पेट में, वो धरणी है स्थूल धरणी। और अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में चैतन्य धरणी है, चैतन्य धरणी है। उस चैतन्य धरणी में अगर यूरिया डाला जा रहा है तो ब्राह्मण दुश्मनी कर रहे हैं या धरणी से दोस्ती कर रहे हैं? है, है? दुश्मनी कर रहे हैं। गंदा अनाज मिलेगा प्यार का, प्यार माना याद। तो क्या करना चाहिए है? यूरिया का अन्न पैदा नहीं करना है, बाप आते हैं तो कुछ करते हैं या नहीं करते हैं? है? क्या करते हैं? कोई सैंबल तैयार करते हैं या नहीं करते हैं, जिसे देख करके सब में ये उमंग उत्साह पैदा हो कि हम यूरिया नहीं डालेंगे। यूरिन माने मूत्र, गंदा मूत्र। रूहानी प्यार करेंगे, भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार नहीं करेंगे। जिस भ्रष्ट इंद्रियों के प्यार से धरणी गंदी होती है, अनाज गंदला पैदा होता है, मानसिक बीमारियां बढ़ती हैं तो शारीरिक बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो बाप आते हैं तो कौन सा सैंबल तैयार करते हैं है? जिसको देख करके समझ करके सब करें, कौन सा सैंबल है? 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 लक्ष्मी नारायण है कोई? ऐसी कोई लक्ष्मी है कि लक्ष्मी ही संन्यासी बनी बैठी है? 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 योग माया, योग माया है? है? काशी। काशी नारी की तो तब प्रत्यक्ष होती है जब अष्टदेव प्रत्यक्ष होने होते हैं। उससे पहले बाप सैंबल तैयार नहीं करता क्या है? नारायण, 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 नारायण तो 16 कला संपूर्ण होता है। राधा कृष्ण इकट्ठे, अरे शास्त्रों में कोई विख्यात है या नहीं विख्यात है? है? हाँ, अमोघ वीर्य शंकर कहा जाता है। ऐसी बाप की याद हो जो इंद्रियों में वो ताकत आ जाए कि कर्म करते हुए भी जैसे कर्म नहीं किया। जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकला, देखते हुए
नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। तो जैसे इन इंद्रियों के लिए है, ऐसे वो बात दस इंद्रियों के लिए लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। सिर्फ बाप की गहरी याद में रहने की बात है, बाकी ऐसे नहीं है कि सन्यासियों में ले मिसल कर्म इंद्रियों से कर्म ही नहीं करना है। कर्म धारा बगैर रहा जा सकता है? पांव हैं तो चले बगैर रहेंगे, हाथ हैं तो किए बगैर रहेंगे? रहेंगे। गीता में भी ये लिखा हुआ है, जो मनुष्यों ने गीता लिखी है, कि कर्मधारा को रोका नहीं जा सकता। कर्म इंद्रियां हैं तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे। नाक है तो सांस लिए बगैर रहेंगे? आंख है तो देखे हुए रहेंगे? कान है सुने हुए बगैर रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए कर्मधारा को रोकने की कोशिश नहीं करना जो सन्यासी करते हैं। क्या करना है? कर्म करते हुए भी ऐसी बाप की गहरी याद हो जो कर्म का प्रभाव ही न पड़े। लौकिक कर्म की बात है, कर्म अलौकिक हो जाए।